बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में। तो यहाँ पर देखिए, आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, मेरे पास से लगातार आपके मैसेजेस आते रहते हैं टेलीग्राम पे कि हमें ये चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, कहाँ से हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ हम निकाल देते, 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगी, जिससे आपके सारे जो भी डाउट्स हैं ना हर सब्जेक्ट को लेके वो कंप्लीट हो जाएं। तो उसी क्रम में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्वांट के ऊपर, कि आपको क्वांट को किस तरीके से अप्रोच करना है प्री के लिए और मेंस के लिए। RRB PO और क्लर्क की हम बात कर रहे हैं, और सेम एज इट इज़ आप IBPS PO और SBI PO में भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा क्वांट का जो लेवल है, DI का लेवल है, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को वहाँ इंक्रीज़ कर लेना है। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो और इस चैनल के बारे में नहीं जानते हो, तो हम आपको बता देते हैं, हम आपको हिंदी प्रोवाइड कराते हैं, RRB PO और क्लर्क की, जो कोई नहीं कराता। एकदम कंसिस्टेंटली हम आपको हिंदी प्रोवाइड कराते हैं, RRB PO और क्लर्क की। लगातार हमारे वीडियोस आते रहते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, हमारा कंटेंट आप देख सकते हैं। तो और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आप सिंपली टाइप कर सकते हैं एजुकेटर पीयूष यादव। अभी उसमें कुछ 700 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जल्दी से जुड़ जाइए। ये अगर आप टेलीग्राम पे टाइप करते हैं तो आपको मेरा जो ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा, ओपन ग्रुप है। डेली वहाँ पे आपको रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है, और अगर आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बस शुरू कर लेते हैं कि क्या आपको क्वांट में अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए प्रिलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग। मैं आपको हमेशा ही ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको हमेशा जो प्रिपरेशन करनी है वो मेंस को लेकर ही करनी है। आपका जो मेंस है शायद 9 सितंबर को है, और जब भी 9 सितंबर को आपका मेंस है तो उस हिसाब से आप अपने दिनों को काउंट कर लीजिए। अभी हम मान के चलते हैं आप जून से स्टार्ट करिए, ठीक है, मई लगभग निकलने वाला है, तो जून जुलाई अगस्त पूरे 90-92 दिन हो जाते हैं ये, और उसके बाद में 8 दिन और, पूरे 100 दिन हम मान के चलते हैं आपके पास 100 दिन हैं। इन 100 दिनों में आपको डेली ही क्वांट को एक अच्छे लेवल पर लेके जाना है। एकदम अगर आप बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रिलिम्स के लिए बात करता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इजीली एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं प्रिलिम्स में, जिससे हमारा प्रिलिम्स जो बैरियर बन जाता है ना कभी कभी, वो कभी अटके नहीं। और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस करें तो PO लेवल की प्रैक्टिस करें। क्लैरिकल अपने आप इतना ईजी आपको लगने लगेगा कि वो बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला तो है हमारा, सबको पता होगा, सिंप्लीफिकेशन। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करिए आप कि ये जो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन आते हैं, आप 2 से 3 मिनट के अंदर बना दिया करें। 2 से 3 मिनट में आप इजीली 5 क्वेश्चन कर पाएँ, और ये आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं भी आपको बता दूंगा। दूसरा, नंबर सीरीज, और तीसरा हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी ये तीनों टॉपिक आ जाते हैं, नहीं तो मोस्टली इनमें से दो तो पूछे ही जाते हैं, 10 नंबर के आपके आ जाते हैं। और बिल्कुल सेम है ये भी, 2 से 3 मिनट, इसको हम 4 मिनट भी मान सकते हैं नंबर सीरीज को, क्योंकि कभी कभी चीज़ें अटक जाती हैं। क्वाड्रेटिक इजिली 2 से 3 मिनट में हो जाता है। तो अगर आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाइए कि 2-5 मिनट में या 6 मिनट में आप सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक करते हो, नंबर सीरीज आप 4 मिनट में करते हैं, तो भी 10 मिनट में आप इजिली कहाँ तक पहुँच जाएंगे? आप इजिली पहुँच जाएंगे 15 क्वेश्चन तक, अगर ये तीनों ही टॉपिक आते हैं। नहीं तो 5 से 6 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे, अगर इन 3 में से कोई 2 टॉपिक आते हैं। अब इनकी सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप वहाँ फाइल्स में देखेंगे तो आपको 3,500+ क्वेश्चंस की एक PDF पड़ी है, बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ से जाइए, ये तीनों ही टॉपिक उसमें कवर करे हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो प्रैक्टिस मॉक, इसमें बहुत ही अच्छी क्विजेज होती हैं, आप क्विज इनकी फॉलो कर सकते हो, स्मार्ट कीड़ा की कर सकते हो, स्मार्ट कीड़ा की आप क्विज कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, वहाँ से अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड इंक्रीज़ करने लगेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पीड इंक्रीज़ होगी कैसे? स्पीड इंक्रीज़ करने का सिर्फ एक रामबाण उपाय है कि कोई भी टॉपिक है, जैसे सपोज़ आपको सिंप्लीफिकेशन में अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन के एक बार में 50 से 100 क्वेश्चन ये हम लगाने बैठ जाएंगे। फिर आप देखिए उस ये 50 से 100 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप क्विज़ लगाना शुरू करिए।
आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी। यानी कि हम जिस भी टॉपिक में अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे हमें उन क्वेश्चंस की थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस की आप पहले पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप क्विज लगाना शुरू कर दीजिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये बिल्कुल जो भी बच्चे हो पहले मुझे इस चीज़ को लेकर फॉलो किए हैं वो सब जानते हैं कि उनकी स्पीड बढ़ी है। तो इन तीन टॉपिक की हमने बात कर ली। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो किसका आ जाता है, पजल का आ जाता है। एटलीस्ट तीन पजल तो आपको देखने के लिए मिलती हैं, तीन पजल मिलती हैं, प्लस एक क्या मिलता है, कैसलेट मिलता है। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप इस कैसलेट पे एक बार को ध्यान अगर नहीं भी देंगे प्रीलिम्स के लिए तो चल जाएगा। ठीक है, मैं क्लैरिकल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ केवल और केवल पीओ के लिए, क्योंकि क्लैरिकल में आपको कोई भी डायमेंशन छोड़ना ही नहीं है। सबको पता है कट ऑफ कितनी हाई जाती है, तो एक कैसलेट जो आप पीओ में छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इन तीन, मैंने यहाँ पजल लिख दिया, सॉरी यहाँ पजल नहीं है, डीआई है। अगर आप इन तीन डीआई को बना लेते हैं और उसका एक स्टैंडर्ड टाइम हम मान के चलते हैं 12 से 13 मिनट में आप ये तीन डीआई बना देंगे। ठीक, तो अब आप अपने क्वेश्चंस को गिन लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ से, 15 ये क्वेश्चन हो गए। अब इनकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, तो मेंस लेवल की जो डीआई है जो आरआरबी में पूछी जाती है उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ से आप जाके कर सकते हो। लगभग 30+ मैंने शायद वहाँ करा रखी है मेंस लेवल की डीआई, वहाँ से आप जाके कर सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए सेम चीज़ है, किसी भी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो, पहले उनसे प्रैक्टिस कर लो, और फिर प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीड़ा, कोई मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाकई में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, क्विज के मामले में काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप यहाँ से जाके अपना क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो खुद एक चीज़ देखिए कि सपोज़ अगर मेरे, मैं दो सिनेरियो ले लेता हूँ, कि अगर मेरे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों टॉपिक आते हैं, ठीक है, और तीन मैंने डीआई आती हैं, और इधर उन तीन टॉपिक में से नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन वगैरह से दो टॉपिक आते हैं और यहाँ तीन डीआई आती हैं, तो यहाँ पे आप इन तीन टॉपिक को करने में कितना समय लेंगे, सिंपल सा था, 10 मिनट में, और यहाँ भी आप कितना लेंगे, 12 मिनट, और इसमें यहाँ पे आप क्वेश्चंस कितने कंप्लीट हो गए, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ आप 13 क्वेश्चन तो कर ही देंगे, और यहाँ पे आप पूरे 15 नहीं तो 14 तो मान लीजिए कि 14 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आपके टोटल 22 मिनट में कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 27 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ईजिली हो जा रहे हैं। और वहीं पे रीजनिंग में थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हो जाते हैं जो ईजिली कवर हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर 23 मिनट में 30 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो आप ईजिली 60 के आसपास में पहुँच जाएंगे, और ये बिल्कुल पॉसिबल वाली चीज़ बता रहा हूँ। इसमें जब आप स्पीड अपना इंक्रीज कर लोगे तो ये जो 12 मिनट है ना, इसमें आपको वही लगेगा 10 मिनट, फिर आप एरिथमेटिक के क्वेश्चन में भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने सिनेरियो बनता है ये, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 10 नंबर, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 15 नंबर, तो ये आपके कितनी देर में निपट जाने चाहिए, 16 मिनट में 25 क्वेश्चन, बिल्कुल। और इसके बाद में हमारे पास कितना टाइम होगा, लगभग 6 से 7 मिनट होंगे, क्योंकि हम 22 से 23 मिनट ही क्वांट को देते हैं, तो इन 6 से 7 मिनट में क्या हम अरिथमेटिक के जो अभी मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ उनके हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 6 से 7 मिनट में मान के चलता हूँ आप इजिली 6 क्वेश्चन कर लेंगे, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। मैं टॉपिक बता देता हूँ, उन टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर कर लीजिएगा, तो यहाँ भी आप इजिली 30 से 31 नंबर तक पहुँच जाएंगे, ईजी रहेगा। और यहाँ पर आप ईजी यहाँ भी 30 पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़े से क्वेश्चन कम कर दिए एक पॉसिबल वे में। अब यहाँ पे आप देखो वो कौन से टॉपिक हैं अरिथमेटिक के जो हमें करने चाहिए एग्ज़ाम में, फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अभी तक मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस के लिए भी मैंने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन वो ये वो टॉपिक है अरिथमेटिक के जो कॉमन रहते हैं, जो आप प्री और मेंस दोनों में अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले तो परसेंटेज हो गया, इसके बाद एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और क्या हो गया हमारा, एज हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया,
और इसके साथ में एक दो टॉपिक और हैं, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो गया है, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ये वो टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ये इजीली बन जाते हैं, और उसमें भी कितने आपको और अच्छे से तैयार करने हैं। हमें परसेंटेज बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप और एज। ये आप 6 टॉपिक तैयार कर लो, 6 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम में ये 6 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, तो जब एग्ज़ाम में आप ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका इजीली प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ना ही मेंस में अटकेगा। अब जरा हम बात कर रहे थे मेंस के रिगार्डिंग में, कि मेंस में हमें चीज़ें कहाँ से तैयार करनी है। तो मेंस के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेंस अब पहले की तरह तो नहीं आता, जहाँ पे पहले वो लोग सिंप्लीफिकेशन देते ही नहीं थे, अब थोड़ा सा देने लगे हैं, 4-5 क्वेश्चन उसके डाल देते हैं, तो हम उसको भी अपना कंसीडर कर लेंगे। और हम ये मानेंगे कि जो हमारा सिंप्लीफिकेशन इसमें आता है तो वो हम इजीली 3-4 मिनट में निपटा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अगर अपना देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें करने चाहिए मेंस के लिए, तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेंस के लिए हम अरिथमेटिक के, एक तो वो 6 टॉपिक तो करेंगे ही करेंगे, वो 6 टॉपिक, उन 6 में से इजीली आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में डी आई, 3 DI लगभग ऐसी आएंगी जो डुएबल होंगी ही होंगी, और उसमें 2 DI तो ईजिली बन जाएंगी, केवल 1 DI होगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेंस की DI पूरा लेवल अगर आपको देखना है, मैं प्लेलिस्ट में जो लिंक पड़ी हुई है वहाँ से जाके देखो, एकदम अच्छे से मैंने कराई हुई है, वो आपको समझ में आ जाएगा लेवल, ठीक है। तो 2 DI हम लगभग यहाँ से कर ही लेंगे, और इसके साथ में सिंप्लीफिकेशन जो आता है 3-4 क्वेश्चन हम उसके कर लेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। अब आप देखो ये आपके कितने टॉपिक कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक, 6 टॉपिक का मतलब हमारा कितना हो गया, 6 मार्क्स, यहाँ से 10 मार्क्स, यहाँ से एटलीस्ट 4 मार्क्स, तो ये हमारे 20 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स, इतना तो हम इजीली गैदर कर लेंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास कुछ टॉपिक और रहेंगे, यहाँ पे आप केसलेट DI देख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है, यहाँ पे हम अपने कैसलेट DI को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैसलेट DI, मैं आप पर्सनली अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप कैसलेट DI की जगह जो तीसरी DI आई है ना उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, उस पर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैसलेट से अच्छा है कि आप तीसरी DI करो, अगर आपकी समझ में आ जाती है तो ईजिली आप वो 5 क्वेश्चन भी यहाँ से गैदर कर पाओगे। तो एक मोटा सा अंदाज़ा अगर लगा के चलते हैं तो हम यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे मेंस में, 25 क्वेश्चंस तक हम मेंस में पहुंच जाएंगे। और जब हम इन 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए तो समझिए कि यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 30+ नंबर हो गए कि नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 1 पॉइंट कितने का आता है, 1.25 मार्क्स का आता है, यही आता है ना। तो 25 क्वेश्चन में अगर आप 1.25 देखते हो तो ये 31 के आसपास हो जाते हैं। तो 31 मार्क्स अगर आप क्वांट में मेंस में लेके आ रहे हो तो आप खुद सोचो आप कितने अच्छे लेवल पे होगे, और लगभग इतने ही मार्क्स हम रीजनिंग में भी गैदर कर सकते हैं, तो 62 मार्क्स तो हमारे यहीं से हो जा रहे हैं। और उसके बाद में हिंदी, इस बार तो आप फोड़ के आओगे हिंदी, क्योंकि आपके सामने जो PDF है वो भी आ जाएगी और जल्दी से जल्दी। तो उसके बाद जब आप हिंदी में भी आप इजिली 25 तक कर लोगे, तो खुद सोचो इन 3 सब्जेक्ट से मिला के आप 90 तक पहुँच रहे हो, बाकी के GA और कंप्यूटर के मिला के अगर आप 30 नंबर भी लाते हो या 20 नंबर भी लाते हो तो भी 110 तक आप पहुंच जाओगे PO में, इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। तो ये आपके सामने थोड़े से सजेशंस थे, मैंने वो टॉपिक्स भी आपको बता दिए हैं, मेंस में करने का तरीका भी बता दिया है, और हाँ मेन चीज़ कि हमें प्रीलिम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रीलिम्स में मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं क्वांट प्लस रीजनिंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैं रीजनिंग और क्वांट का कॉम्बिनेशन लेके नहीं चलूंगा तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी प्रिलिम्स में, क्योंकि वहाँ पे आपके पास समय नहीं होता कि हम वहाँ पे जाके चीज़ों को सोचें कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, हमें पहले से अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज की हम वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हिंदी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ आज शाम को 10:30 बजे लाइव क्लास होने वाली है, तो उसमें हम और आप जुड़ेंगे और अपना देखेंगे कि कितने बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आप उन सवालों का जवाब दे पाएंगे।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए।